हम बात करेंगे क्या कुछ कहते हैं चौपाल समाज। दास को चौपाल बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है दास समाज को जो ही चौपाल कहा जाता है, और यहाँ पे पूरा चौपाल समाज जो है इस बार किसके साथ है, लालटेन के साथ है या फिर कमल के साथ? लालटेन के साथ। काहे जी, आप लोग पिछले बार तो कमल को जिताए थे, इस बार काहे गुस्सा गए? गुस्सा रहे नहीं, काम वाम नहीं हुआ। कोई हमारा काम नहीं करेगा तो उसी को वोट नहीं देगा। हाँ। जो कोई करेगा उसी को वोट देगा, और जो काम करेगा उसी को वोट देंगे आप लोग? बस जो काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं दीजिएगा, उसी को नहीं देगा। आलोक कुमार मेहता आरजेडी के तरफ से या बीजेपी के तरफ से नित्यानंद राय कौन सा प्रत्याशी हमें जीतेंगे? नित्यानंद राय होगा कि नित्यानंद राय? नित्यानंद राय। तो इधर तो कह रहे हैं कि आलोक कुमार मेहता है। आलोक कुमार नहीं, यहाँ नहीं होगा। आलोक मेहता यहाँ नहीं होगा? अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? खेत से आ रहे हैं? हाँ, खेत से आ रहा है। तो क्या यही वजह है कि आप लोग गुस्सा में? हाँ, एकदम गुस्सा में। जो सरकार हमारी काम करेगा हम उसको वोट करेंगे, जो नहीं करेगा उसको वोट नहीं करेंगे, आना करवाएंगे। ये है माहौल। हाँ, ये है माहौल, ये है माहौल। इस बार उजियारपुर क्षेत्र से माननीय आलोक कुमार मेहता जी कम से कम 2 लाख वोट से जीतेंगे, कम से कम 2 लाख वोट से इस बार 2 लाख वोट से कम नहीं। उसको उनको सदन में भेजना है, उतना ही छोड़ दिया। हमारे महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है, इस बार जो कह रहे हैं मोदी जी 400 पार, हम आपको बता रहे हैं 100 का आंकड़ा भी पार नहीं करेंगे। 100 का आंकड़ा मोदी जी पार करने नहीं जा रहे हैं। ये जुमलाबाजी है, हवा हवाई है, हवा बनाने का। हम लोग कहाँ कहते हैं 400 पार, 500 पार, 900 पार। हम लोग सीधा चुनाव लड़ते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता का सुनते हैं, जनता वोट देगी हमारा सरकार। मोदी जी को कैसे पता कि 400 पार हो जाएगा? वही ना माहौल बना रहा है। झूठा पार्टी का काम क्या है? बड़का झूठा पार्टी है मोदी, उसका काम ही है लोगों को बरगला देना, माहौल बना देना, ताकि लोग हमारे तरफ लौट घूम जाए। अब ऐसा इस बार नहीं चलने वाला। इस बार फिर से मोदी जी बोल देंगे देखिए हम राम मंदिर बनवाए थे ना। अरे राम मंदिर क्या है? राम मंदिर बनाए बहुत बढ़िया किए, तो राम मंदिर से हमारा गरीब का पेट नहीं ना भरेगा? ये गरीब अयोध्या जाएगा? एक बार हिंदू करेंगे तो आप लोग फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। वही तो हिंदू देख के फिर उनका तो यही है, हिंदू मुस्लिम करो राज करो। उनका तो काम है लड़ाई करो, हिंदू मुस्लिम करके राज करो। बहुत लोग कहते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बांकी, ये डायलॉग मारेंगे जब तो फिर आप लोग सब नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम हिंदुओं के धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। क्या राम को मोदी लाए? कि राम मोदी को लाए माने है जो दशरथ जी उनके पिताजी है रामचंद्र जी, क्या ये मोदी जो है दशरथ जी हो गए? हम देखे हैं पोस्टर में अयोध्या वाला जो मंदिर जिसमें उद्घाटन हो रहा था, बड़ा सा सीन है मोदी जी का, छोटा सा सीन है राम जी का। राम जी उनका उंगली पकड़े चुट्टा, हम पे केस होगा, होगा आचार संहिता का। हाँ। चुट्टा हम कहेंगे मोदी को। हाँ। क्या वो उसका बाप था जो उंगली पकड़ के चला रहा था? यही सब इसका है ढकोसला, और कुछ नहीं है। इस बार महागठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा, बढ़िया बहुमत से बनेगा। इतना गुस्सा में क्यों? गुस्सा में कहाँ है सर, 10 साल में विकास नहीं किए? नहीं किए, कुछ नहीं विकास किए, कहीं विकास का काम ही नहीं हो रहा। तो 10 साल में आप नित्यानंद राय के काम से नहीं खुश है? नहीं जी, मोदी जी तो कहते हैं कि खूब विकास। हाँ, खूब विकास, कहाँ विकास का बात कहाँ कर रहे हैं? अभी पहचानता है उनको, उनका बच्चा भी पहचानता है यहाँ का। किनको? उनको नित्यानंद राय मोदी जी को तो जानता है ना, मोदी जी के नाम पर जीत जाएंगे नित्यानंद राय। साथ हो रही है मोदी जी, मोदी जी क्या किए? एक बार नित्यानंद राय मोदी जी का नाम लेंगे जीत जाएंगे। हाँ, देखिएगा जीत जाएंगे, आप आइएगा। दो बार जीते ना जी? जीते तो क्या हो गया, दो बार जीत के गए? दो बार जीते तो क्या हो गया, पब्लिक जीता दिया ना, तीसरी बार जीताएगा। अच्छा, देखिएगा आप कितने बार जिताता है, देखिएगा आप, झंडा लेके आइएगा। क्या लगता है कौन सा प्रत्याशी जीत के जाना चाहिए इस बार? नित्यानंद राय जीतेगा। क्यों? नित्यानंद राय के काम से आप लोग खुश हैं? मोदी जी के काम से अभी वोट देगा। मोदी जी के काम से वोट देगा, मोदी जी के वोट, मोदी जी के नाम से उनको वोट देगा। हाँ, तो मोदी जी के नाम पर होना चाहिए या विकास के नाम पर होना चाहिए वोट? विकास तो हो ही रहा। क्या विकास हुआ जैसे में देख रहा है? 5 साल के अंदर में रोड चौड़ा हुआ। अच्छा, और ये तो केंद्र सरकार का मामला है ना, अभी लोकल में यहाँ पे उजियारपुर का सांसद नित्यानंद राय है, तो नित्यानंद राय नहीं बनवा रहे चूंकि ये मोदी सरकार, ये केंद्र सरकार का ही है। हाँ, तो केंद्र सरकार ना मोदी, और हाईवे तो केंद्र सरकार में आता है ना, तो हाईवे से क्या हुआ? क्या हुआ? देवगौड़ा भी आया था रोड चौड़ा करके चल गया। चौड़ा किया था ना, कुछ किया नहीं, बनाया है।
रोजगार के मुद्दा पे कुछ काम किया है कि नहीं नित्यानंद राय? अभी कुछ नहीं, हमको तो कोई देख भी नहीं रहे से क्या किया नहीं किया कुछ नहीं है। आएंगे भी है नहीं आप लोग यादव है और यादव ही के वजह से पिछले बार वो जीत गए। हमको जाति कष्ट से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ सिर्फ चाहिए हमको काम रोजगार। दूसरे यादव तो जात पात ही देखते हैं, ऐसा नहीं आधा आधा जो यादव है 50% यादव तो जात ही देख के वोट करते। नहीं 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 इस बार जात पात कुछ नहीं देखा जाएगा, सिर्फ देखा जाएगा रोजगार और नौकरी और युवा का क्या। तो आप युवा है तो आप रोजगार का बात कर रहे हैं और दुकानदारों से भी मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार। क्या लगता है इस बार जो है सांजर प्रखंड की जो जनता है वो इस बार यहाँ पे आलोक कुमार मेहता को चुनना पसंद करेगी या नित्यानंद राय? आलोक भाई को, आलोक जी को। हवा है एकदम, पूरा हवा है एकदम सांजर प्रखंड में, पूरा हवा, पूरा हवा। मुझे नहीं आवाएगा, जे में कब वह में गिरा देवो, जे में बोलिएगा वही में गिरा देंगे। तू आज बोलवा ना वह गिरा देंगे। अच्छा हम लोग क्या बोलेंगे आप लोग? अच्छा आप लोग को पता नहीं है कौन से पार्टी को वोट देना है? आ तू और कब ना आई में चाची तू गिरा दिया हो, हम वह में गिरा है हम लोग क्यों बोलेंगे चाची? आपको खुद पसंद करना है ना चाची? पसंद रहा नहीं मुझे अरे बाबू। अच्छा आपको तो खुद, आपको तो खुद पता करना है ना किस कौन सा पार्टी अच्छा रहेगा। तू और कब ना जे चाची ई पार्टी में हम आके दे ये पार्टी बनिया हो। हम तो मीडिया वाले, हम आपको कैसे बता सकते हैं? मतलब कोई तो बताते ना टोला में, कोई दो पार्टी है चार गो तो सब पटवाए जो हमरा में गिरी है तो हमरा में गिरी है, तो जो पार्टी में कहते पार्टी में दूसरा बोलेगा, दूसरा बोलेगा तो आप दूसरे के बात ना हमरा समझा दो तो हम जो कहवा से हम गिरे। चलिए दोस्तों और भी चलते हैं, क्या मूड है इस बार? लालटेन छाप के लिए लालटेन छाप, लालटेन छाप क्या है जी? कमल छाप का है नहीं, कमल छाप जीत ले अब लालटेन जीत ले। अब लालटेन को इस बार जिताना है। क्या नाम हुआ आंटी जी? बोलिए वोट गिराने वाला मामला है, हमरा से वोट नहीं गिरे हैं। आप लोग वोट गिराने जाएंगे ना? हाँ क्या लगता है इधर का क्या माहौल है उजियारपुर से? आलोक कुमार मेहता जीतेगा कि नित्यानंद राय? लालटेन जीतेगा कि कमल छाप? हमरा वो नहीं बुझे अभी, नहीं बुझे आता है। हाँ? कोई जीत ले सब हमरा वोटे नहीं हम गिरवा। अच्छा हमारा नाम ही नहीं है। आपका नाम नहीं है तो नाम तो आपको डलवाना चाहिए ना, जुड़वाना चाहिए नाम ना? नाम है, वार्ड मेंबर को बोलिए नाम जुड़वा देगा। हेलो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त शाह सफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त मैं सारंजन प्रखंड में मौजूद हूं, सारंजन प्रखंड के मुसरीगाड़ी में मौजूद हूं और मुसरीगाड़ी के जनता से हम जानेंगे कि इस बार जो है नित्यानंद राय वर्सेस आलोक मेहता, यानी कि आलोक मेहता वर्सेस नित्यानंद राय कौन बनेगा उजियारपुर का सांसद। यहाँ पे इन लोगों से जानेंगे, लोगों से जानेंगे कि कौन बनेगा उजियारपुर का सांसद। आइए हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कुछ लोग यहाँ पे नौजवान इनसे सांजन प्रखंड के। हाँ सर आवकंडन प्रखंड के। क्या लगता है सांजन प्रखंड में इस बार कौन से प्रत्याशी जीत कर जाने वाला है, आलोक कुमार मेहता या नित्यानंद राय? आलोक कुमार मेहता। क्या है भाई नित्यानंद राय क्यों नहीं जीत सकते? नित्यानंद राय एक बार जाता है घूर के, एक बार आता है देखने के लिए ये जीत के जाएगा। ज्यादातर लोग जो है यही बात बोलते हैं। क्या वजह है आप लोग को नित्यानंद राय क्यों पसंद नहीं है? आलोक कुमार मेहता काम नहीं करता है इसलिए नहीं पसंद है। अच्छा काम नहीं किया और क्या काम किया? 10 साल आप लोगों ने मौका दिया था ना, बहुत मौका दिए हैं, 10 साल मौका दिए उसमें कुछ नहीं किए, तो आप क्या घेरा करेंगे? सांजन प्रखंड की जनता किसको पसंद करेगी, नित्यानंद राय को कि आलोक मेहता को? जो सही करे उसको करेंगे। जैसे कौन आपकी नज़र में कौन से प्रत्याशी? सबको तो बाद ही में समझेंगे, पहले तो किसी को समझा नहीं जा सकता। अच्छा पहले आज तक तो किसी को समझ ही में नहीं आया। काम कौन बेहतर करेगा उजियारपुर के लिए? तो मोदी जी भी आए थे तो बहुत सबका साथ सबका विकास। क्या नहीं हुआ विकास? कितना विकास हुआ क्या नहीं हुआ तो सब देख रहे हैं। ठीक है आइए दोस्तों और भी चलते हैं, कुछ लोगों से जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे दुकानदार हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। दुकानदार है यहाँ पे, देखिए भाई साहब है यहाँ पे, फल की दुकान है इसे, यहाँ फल की दुकान है। क्या नाम, क्या लगता है इस बार जो है सांजन प्रखंड की जनता जो है कौन से प्रत्याशी को चुनेगी उजियारपुर के लिए? आलोक कुमार मेहता। क्या है नित्यानंद राय जी? जी नहीं इस बार नहीं। हाँ इस बार नहीं, पिछले बार तो आप ही लोग वोट दिए थे। हाँ दिए थे लेकिन इस बार नहीं। क्या है कार्य नहीं हुआ? कार्य नहीं हुआ नहीं। अच्छा स्टूडेंट टाइप के लोगों को क्या पसंद है आइए हम जानते हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, यहाँ पे इधर आइए, बहुत सारे लोग हैं। क्या लगता है अंकल जी आप लोग सांजन प्रखंड के रहने वाले हैं? हाँ सांजन प्रखंड। सांजन प्रखंड क्या लगता है इस बार जो है उजियारपुर से कौन बनेगा सांसद, नित्यानंद राय या आलोक कुमार मेहता? आलोक कुमार मेहता। आलोक कुमार मेहता। हाँ
क्या नित्यानंद राय जी अभी तो भाई साहब बोल रहे उधर नित्यानंद राय नहीं आलोक कुमार मेहता का हम लोग आलोक कुमार मेहता क्या आलोक कुमार मेहता नित्यानंद राय के जैसा काम कर पाएंगे किए हैं आलोक कुमार मेहता ऐसे 15 साल रहे हैं वो पहले भी सांसद थे वो सांसद थे 2014 में तो काम किए थे आपको क्या लगता है जैसा कौन सा जो बतलाए वही बतलाए ना आप बोलिए अपने मुँह से ना नहीं वही है ये अपने मुँह से बोले आप अपने मुँह से बोले वही जैसे होंगे ना वही होंगे वही होंगे कौन आलोक कुमार मेहता आलोक कुमार मेहता आलोक कुमार मेहता और भी भाई साहब है यहाँ पे चलते फिरते लोगों से बात करेंगे आप लोग यहाँ पे सांजन प्रखंड के हैं नहीं हम लोग दसिनसराय प्रखंड के दसिनसराय प्रखंड हाँ। क्या लगता है दसिनसराय इस बार जो है उजियारपुर लोकसभा भी दसिनसराय में आता है क्या लगता है भाग रहे हैं भाई साहब इस बार जो है उजियारपुर का सांसद किसको होना चाहिए आलोक कुमार मेहता आलोक कुमार मेहता जी जी क्यों आलोक कुमार के काम से आप खुश हैं बिल्कुल खुश अभी उजियारपुर के विधायक भी सुनिए एक बात मेरी कहने का मतलब सहारा इंडिया में गरीब आदमी का बहुत सारा पैसा है अमित शाह ने उस पैसा को क्लोज वो अपने अंडर में लेकर के हाँ। पैसा गरीबों को तकसीम नहीं कर रहा गरीब हाँ। मर रहा पैसा के लिए हाँ। सारा सहारा इंडिया का पैसा तो बोले थे हम दिलवा देंगे पैसा अमित शाह को बोल दिए लेकिन दिलवाए नहीं ना अभी तक हाँ। अभी तक हाँ। नहीं दिलवा गरीब आदमी का पैसा पच गया हम लोग गरीब आदमी कहाँ इंडिया का सारा इंडिया का रुपया पच गया किसी का भाई का है 2 लाख हमारा 1.5 लाख किसी का 50,000 सबका रुपया पच गया अमित शाह तो बोले थे सबको रुपया दिलवा देंगे लेकिन कहाँ मिला कहीं ना कहीं यही वजह है कि आप बीजेपी सरकार पर इस बार भरोसा नहीं करना चाह रहे नहीं है? नहीं क्या लगता है अमित शाह को पैसा नहीं दिलवाए आप लोगों का इसलिए भाई इसलिए हम उसको वोट नहीं करेंगे अमित शाह पैसा नहीं दिलवा हम लोग का बहुत पैसा हम लोग का गरीब आदमी है मेहनत से जमा सारा इंडिया में जो डूबा हुआ पैसा है वो खाली वादा करते हैं कि इस डेट में दे देंगे उस डेट में दे देंगे आज तक नहीं दिए बताइए आई जो अभी ब्रिज का काम कर रहा है कि होगा कोई खोद खाद के चला गया किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है हम लोग को धूल गर्दा खाना पड़ता है बताइए आप लोग दुकानदार है दुकानदार यहाँ के हम लोग है समझिए वोट हम काहे उनको देंगे आलोक कुमार मेहता को हम लोग वोट कर रहे हैं और भी यहाँ पे दुकानदार इनसे बात करेंगे भाई साहब है यहाँ पे देखिए रेडीमेड की दुकान है आप लोग जो है सांजर प्रखंड के रहने वाले हैं और क्या लगता है इस बार किसको जिताएंगे देखिए अभी हम आप क्या कह सकते हैं अभी कुछ नहीं कह सकते ये तो मतदान की बात है मतदान जब होगी तो उस टाइम देखेंगे और तब कहा जाएगा 10 साल में जो नित्यानंद राय जी इस इलाके से यानी उजियारपुर के सांसद रहे हैं 10 साल तक लगातार तो क्या क्या विकास किया विकास अभी क्या विकास वगैरह आपको तो देख भी नहीं रहे हैं कि जो ये 10 बार खोद चुका है लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है जनता को परेशानी है धूल मट्टी खाना पड़ता है अगर कोई काम ही करना होता तो ढंग से करना चाहिए लेकिन किया नहीं अगला आदमी हर आदमी को परेशानी है तो अभी हम क्या बतावे इसके बारे में लेकिन सोचेंगे मतदान की बात है मन की बात है मतदान करेंगे इसके लिए टेंशन नहीं है ठीक है दोस्तों आइए कहीं ना कहीं जो है आप बहुत सारे और भी लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे दुकानदार इनसे हम बात करेंगे क्या लगता है सर इस बार इधर ही जरा इस बार जो है अभी आप लोग सरंजन प्रखंड के यहाँ उतर यहाँ चलिए क्या लगता है इस बार जो है उजियारपुर लोकसभा में जो कौन से प्रत्याशी जीत कर जाने वाले हैं नित्यानंद राय या आलोक कुमार मेहता आलोक कुमार मेहता का चांस है ज़्यादा चांस है क्या वजह है कि इधर आलोक कुमार मेहता आप लोग बोल रहे हैं ज़्यादा नित्यानंद राय के काम से खुश नहीं है आप लोग 10 साल तो रहे हैं लगातार लेकिन आलोक कुमार मेहता का चांस ज्यादा है ज्यादा चांस है सहारा इंडिया वाला जो है हाँ। आम पब्लिक का पैसा जैसे अभी तक दे नहीं रहा है साल अमित शाह तो बोले थे कि हम दिलवा देंगे पैसा कहाँ जाते दिया 45 दिन का टाइम था अभी तक जैसे 2 साल पुरने वाला है पैसा अभी तक आया हम लोग को नहीं तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी से आप लोग गुस्सा में वही वजह है राम पब्लिक की दिक्कत हो रहा है 45 दिन का समय लिए थे अभी तक पैसा अभी सारा इंडिया का अभी तक पैसा जो आ नहीं रहा है ऑनलाइन हम लोग कराए साल भर सुपर हो गया क्या वजह भोज, क्या वजह है लोग सांसद बनेंगे सबसे मिलेंगे जनता से अच्छा नित्यानंद जी 10 साल में एक बार भी किसी जनता से मिले चौक पे आए नहीं है आलोक कुमार मेहता भी तो वैशाली जिला के वो भी वो ठीक है उनके आवास पर जाते हैं तो वो मिलते हैं अच्छा ये नित्यानंद के आवास पर जाने से नहीं भेंट होता नहीं मिलते आलोक जी के यहाँ जाते तो मिलते हैं बिल्कुल नित्यानंद राय की नहीं मिलेंगे 10 साल में एक बार भी नहीं आए हैं जनता से मिलने क्या नाराजगी क्यों है आप लोग बस आलोक कुमार मेहता आप लोग नित्यानंद राय के नाम से नाराजगी क्यों है आप लोग विकास नहीं किया 10 साल में क्या कुछ विकास नहीं किए सरकारें से नाराज है जनता सब गरीबों का पैसा रोक के रखे हुए अमित शाह बोला कि सहारा वाला सबको रिफंड करेंगे कहाँ कर रहा है
सबका ऑनलाइन करा लिया, पैसा भी खर्च करवा दिया, किसी को पैसा नहीं था। आप लोग ज्यादातर लोग यहाँ पे सहारा इंडिया के बारे में बता रहे हैं, आप लोग सहारा में पैसा फंसा, गरीब का पैसा है उसे लड़की देता तो लड़की का शादी होता, विकास करता, घर का हालात खराब है सुधरता, पैसा रोक के रखे हुआ, खाली झूठा वादा करेगा। 15 लाख देगा सबके अकाउंट में, क्या 15 रुपया भी नहीं दिया सबका, और गैस का रेट बढ़ा। अमित शाह तो बोले थे कुछ चुनावी जुमला है, हाँ तो जुमला है तो पब्लिक इस बार जुमला बता देगा, इस बार जुमला बता देगा ना, उसका उल्टा कर देगा, उल्टा कर देगा, उल्टा कर देगा। अच्छा तो इस बार तो मोदी जी कहते हैं 400 पार हो जाएगा इस बार, 400 पार सीट लाएंगे। तो बोले तो कहे के लिए जाते हैं रैली करने के लिए, आराम से बैठे रहते हैं, 480 आ जाता है। वो तो प्रोटोकॉल है ना, वो रैली तो करना प्रोटोकॉल है, जब घोषित कर ही दिए हैं तो कहे के लिए करवा रहे हैं, ये दौड़ भाग क्या कर रहे हैं, आराम से बैठे रहते हैं, 400 सीट आ जाते हैं। हमारे साथ कुछ जाएगा वोट देने, हमारे साथ कुछ और भी युवा है, इनसे भी हम बात करेंगे। युवा को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, आप लोगों को कैसे चाहिए, आप लोगों को रोजगार चाहिए, हम लोग को रोजगार कैसा सरकार चाहिए आप लोगों को? हम लोग को बहुत से बहुत बढ़िया सरकार चाहिए, जैसे कि बिहार विकास होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ तो उजियारपुर से नित्यानंद राय को जिताना चाहेंगे या आलोक कुमार मेहता को? नित्यानंद राय बीजेपी से है, आलोक कुमार मेहता इंडिया गठबंधन से है, एनडीए से वो है इधर महागठबंधन। हम तो सोच रहे हैं नया सरकार भी बना सकते हैं, मेरा मेरे ऊपर है। तो चलते हैं सांजर प्रखंड के दूसरे गांव में, दूसरे मोहल्ले में, क्या कुछ कहती है वहां की जनता आप लोगों के बीच रखते हैं। हाँ दोस्तों, इस वक्त जो है सांजर प्रखंड के एक यादव टोली में मौजूद हूँ, और आज जो है हम जो है यादवों का भी जो है मिजाज जानेंगे, यहाँ पे जो है यादव भाई लोगों का भी जो मिजाज जानेंगे, चूँकि सामने जो है कैंडिडेट है जो बीजेपी से है वो यादव ही कैंडिडेट है, और इधर आलोक कुमार मेहता जी हैं महागठबंधन की तरफ से। तो हमारे साथ यहाँ पे नाम क्या है, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है अशोक कुमार राय। कुमार राय जी, क्या करते हैं आप? हम लोग काम करते हैं बाहर भीतर में सेटरिंग का। क्या लगता है इस बार जो है उजियारपुर लोकसभा का क्या माहौल है? अच्छा माहौल है, जैसे आलोक कुमार मेहता का भी जैसे लहर उठा हुआ है उसी का चलेगा, इधर दूसरा है कहाँ को। तो आप लोग जात भाई को वोट नहीं दीजिएगा? जात भाई ये नहीं देखा जा सकता है, जो काम करेगा अच्छा युवा के लिए, नौकरी के लिए, रोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, उसी लोग का हम लोग सोचे हुए हैं वोट देंगे इस बार। पिछले बार तो आपके वहाँ धमौन में सब यादव मिलकर जिता दिए थे उनको नित्यानंद राय। ऐसा नहीं है, हर एक 10 साल में आदमी को चेंज होना पड़ेगा, नहीं हो सकता है सब आदमी, जैसे महंगाई रोजगारी और लेके सबको बहुत परेशानी बढ़ रहा है, इसी के लेके कोई भी आदमी ऐसे सोच रहा है अपना सरकार अच्छा आवे, अच्छा काम करे। तो अभी नित्यानंद राय जी से आप क्यों नहीं खुश है? 10 साल तो उनको आप लोग दिए थे ना पिछले बार, वो तो इधर है अभी नहीं कर, एको बार अभी नहीं किए हैं, क्या है नहीं मतलब है। ज्यादातर लोग हमको यही बात बोलते हैं कि नित्यानंद राय जी जो आए भी नहीं किए, आए भी नहीं किए, नहीं आने का उनका शिकायत, वही शिकायत पे लेके अपना फिर अब आरजेडी का देखिए सब माहौल बन रहा है अपना सब। इस बार क्या आरजेडी का पूरा माहौल? हाँ आरजेडी का माहौल इस बार, तो लोग तो कह रहे हैं कि तो हवा है आरजेडी का, जीतेगा नित्यानंद राय। अभी तो जैसा पब्लिक का जैसा जो मोमेंट वैसे बोल रहा है, मैं जिसको जब मतदान के लिए जाएगा तक नहीं पता चलेगा कैसा किसका। क्या हुआ पैर में आपके, क्या हुआ? वो चोट लग गया था, आ रहे थे काम करके एक्सीडेंट किए ना, इसमें चोट लग गया। इसमें चोट लग गया था, तो वोट गिराने जाना है ना 13? हाँ जाएंगे ना, जाएंगे ना। अच्छा यही पेठिया पे? हाँ अपना जहाँ जो इसे बूथ जिधर पड़ेगा उधर तो जाना ही पड़ेगा, पेठिया चाहे यहाँ रानी बान में पड़े, चाहे ग्राम पंचायत पे पड़े, जिधर पड़ेगा उधर जाके हम गिरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जाइएगा ना? हाँ तो सारे लोग को जाना है लेकर? हाँ जाना है, मतलब वोट किसी को भी दीजिए लेकिन वोट पूरे सभी लोग घर से निकली। हाँ, हाँ, हाँ। और लोकतंत्र का जो महापर्व है उसको अच्छी तरह मनाए। यहाँ पर देखिए हमारे साथ एक और चाचा नजर आ रहा है, चाचा एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ क्या नाम है आपका? नारायण दास जी। क्या लगता है इस बार उजियारपुर लोकसभा का क्या माहौल है, क्या इस बार कौन सा प्रत्याशी जीत के जाने वाला, आलोक कुमार मेहता की नित्यानंद राय? नित्यानंद राय बीजेपी से है, आलोक कुमार मेहता जो है आरजेडी से है, यानी कि महागठबंधन से। कौन सा इधर का क्या माहौल है, इधर का माहौल सांजर प्रखंड के लोगों का क्या माहौल है, कौन से प्रत्याशी को ज्यादा चांस है इधर? ये चांस है वो लालू का बेटा का, और लालू के बेटा के ज्यादा चांस है। लालू के बेटा के पार्टी से आलोक कुमार मेहता है। हाँ। जो अभी उजियारपुर का विधायक है, तो क्या लगता है उन्हीं का ज्यादा चांस है इधर? हाँ? तबे दबे लहजे से बोल नहीं, दवाई पट्टी से सब है निकल ना, तो दवाई पट्टी से पूरा इधर इधर ही है पूरा, सब पूरा आलोक कुमार मेहता। अच्छा देखिए एक और भाई साहब जो है यहाँ पे आ रहे हैं, खेत खलियान से आ रहे हैं, इनसे भी हम जानेंगे क्या है यहाँ की जनता का मूड,
कहाँ से आ रहे हैं? खेत से आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का क्या माहौल है? कौन से प्रत्याशी के यहाँ पे जीतने का? हमने कल आवे के आएगा, हमको मालूम उलूम नहीं है। फिर भी मिजाज क्या होगा यहाँ का? हम तो परसों फिर जा रहा है। अंदर अंदर देखिए अंदर। अच्छा आइए दोस्तों, अंदर गांव में भी चलते हैं, क्या कुछ माहौल है इधर का। आप देख सकते हैं इधर महतो टोली है और यहाँ पे जो हम बात करेंगे लोगों से क्या कुछ कहते हैं, जो है सांजन प्रखंड के हैं और उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का क्या माहौल है, कौन से प्रत्याशी का यहाँ पर जीतने का ज़्यादा चांस है, आलोक कुमार मेहता या नित्यानंद राय? आलोक मेहता। इधर ज़्यादा चांस है आलोक मेहता का? आलोक मेहता। भाई साहब तो अभी बोल रहे थे नित्यानंद राय का। नहीं, आलोक मेहता। आलोक मेहता। हाँ तो आप ही के गाँव के बोल रहे थे कि नित्यानंद राय? नहीं नहीं। है क्या हुआ आलोक कुमार मेहता को, क्यों भरोसा कर रहे हैं? काम करेंगे वो? काम करेंगे। है काम करेंगे, काम करेंगे। मजदूर वगैरह के लिए कुछ करेंगे वो? कुछ करेंगे। आप लोग मजदूर टाइप के लोग हैं, अब देख सकते हैं ये जो पीछे देख सकते हैं कैमरा मैन, जरा उधर देखा, ये पूरा जो है मास्ट टोली है, आप देख सकते हैं। और यहाँ का जो आप देख सकते हैं माहौल, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है मजदूर है, तो मजदूर के लिए कौन सा यहाँ पे कैंडिडेट सही रहेगा? आलोक मेहता। आलोक मेहता, आलोक मेहता। दोस्तों आइए चलते हैं अंदर से जानते हैं, यही महिलाएं और पुरुष से भी जानेंगे, उठा रही हैं, इनसे भी हम बात करेंगे क्या माहौल है अभी। नाम है उस पर, हमारे ससुर के नाम है, हमारे घर वाला के नाम है। नहीं है? अच्छा ठीक, करवा दिया जाएगा, बोलते हैं आपके वार्ड मेंबर को। ठीक है, राजकुमारी, राजकुमारी जी वोट गिराने जाइएगा ना? हाँ जाएगा, जाएंगे। तो लालू के पार्टी को जिताइएगा कि नित्यानंद राय के पार्टी, यानी कि बीजेपी मोदी जी के पार्टी को जिताइएगा? कमल छाप की लालटेन छाप? कमल छाप, कमल छाप। नौजवान है, क्या लगता है इस बार जो है कौन सा प्रत्याशी उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में जीतेगा, नित्यानंद राय या आलोक राय? नित्यानंद राय 100%। नित्यानंद राय। अच्छा यहाँ पे नित्यानंद राय काम किए हैं 10 साल में? नित्यानंद राय किए हैं चाहे नहीं किए, लेकिन बीजेपी बहुत काम किया है। बीजेपी? हाँ। मोदी जी का नाम देख के? मोदी जी का नाम देख के। अच्छा क्या है मतलब यहाँ पे आलोक कुमार मेहता को चांस नहीं मिलेगा? चांस मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, जो काम किया उसको चांस मिलेगा। उधर तो बोल रहे थे कि पूरा इलाका आलोक कुमार मेहता का है। हाँ क्या बोले चाची? मन के बात है, नहीं हम सब काम नहीं कर रहे। क्या बोल रहे हैं बोलिए ना। जहिया मन होते वोट गिरते तहिया जकरा मन होते तकरा में देब, हमरा के ठोठी धाका जाय जाय नहीं बोलत। ओ तो हम तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कौन से, कौन इधर 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 थोड़ा सा, इधर कौन से प्रत्याशी का यहाँ पर ज्यादा चांस है? जो है सारे लोगों का जो है समर्थक नजर आ रहे हैं। आइए चलते हैं दूसरे तरफ, इसी मोहल्ले में जो है चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं क्या कुछ है यहाँ का माहौल। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रवेश। राम प्रवेश जी, क्या लगता है इस बार जो है आप लोग सांजन प्रखंड के रहने वाले हैं, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में इस बार कौन से प्रत्याशी जो है सांसद बनेंगे, नित्यानंद राय या फिर आलोक कुमार मेहता? आलोक कुमार मेहता आरजेडी से है, जो अच्छा करेगा यहाँ के लिए उसको वोट देंगे हम लोग। अभी 10 साल नित्यानंद राय जी को आप लोग मौका दिए ना, सारे लोग ने मौका दिया है, तो नित्यानंद राय जी 10 साल में क्या कुछ किया यहाँ पे? किया होगा, जो किया होगा सब किए होंगे ना, इसलिए। तो अभी का क्या माहौल है इधर, महागठबंधन जीतेगा या फिर एनडीए? यहाँ माहौल है ऐसा है ना, पहला नंबर तो दो चीज यहाँ पर होना चाहिए, शिक्षा के लेके शिक्षा होने चाहिए, स्कूल का जो सोसाइटी वो बदलना चाहिए। हाँ। इसीलिए सब चीज होना तो चाहिए। आप लोग कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं? नहीं, हम लोग तो कलकत्ता में रहते हैं। तो कलकत्ता में तो यहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था सही नहीं है? नहीं सही, अभी तो अभी तो बिहार सरकार ने सही कर दिया है कुछ दिन। नहीं नहीं सही नहीं, क्योंकि बच्चा लोग है सो इधर उधर करते हैं, भागते रहता है, इस पर ध्यान होना चाहिए, शिक्षा रोजी रोजगार होना चाहिए बिहार। तो आप कैसे प्रत्याशी को जिताएंगे जो इन सारे चीजों पे मुद्दे पे आवाज उठाएगा, जो अच्छा जो करेगा बिहार के लिए उसको वोट देंगे, उसको जिताएंगे, जो अच्छा करेगा उसको देना? हाँ ठीक है। आइए दोस्तों चलते हैं अंदर की ओर गांव में और यहाँ के लोगों का माहौल जानते हैं। यहाँ पर और भी चची लोग हैं, देखिए क्या नाम है चची? खटिया देवी। खटिया देवी, खखिया देवी, खखिया देवी। हाँ। अच्छा वोट गिराने जाना है ना? जा भाई ना। अच्छा जाना है। हाँ। तो इस बार अपने उजियारपुर लोकसभा में किसको सांसद बना के दिल्ली भेजिएगा, लालू के पार्टी को या मोदी जी के पार्टी को? जे अच्छा हमरा कोटा देवे नहीं करे है, बुढ़ा गए लीरार मुसमा छी। तो मोदी जी तो कहते हैं 5 किलो राशन दे मिलता है? नहीं दई है हमरा, नहीं दई है हमरा, 7 गो बेटा पुतो पोता पोती है, इतनी इतनी गो दई में एगो पुतो के दई है।
एक ही गो पुतौह के मोदी जी तो कहते हैं 5 किलो राशन जा सब तो हमरा देबे नहीं करे है तो हम की जाने के लिए आपको नहीं मिलता नहीं नहीं हमरा 7 गोटन में एगो के कोटा मिले है हां क्या नहीं दे हमरा नहीं दे है 7 गो में हमरा दे है एगो पुतौह के आ 7 गो खाए वाला 7 गो खाने वाला एक ही गो आपको एगो पुतौह के हमरा नहीं हम मुसमात आदमी हमरा मुसमात को तो सबसे पहले मिलना चाहिए नहीं दे है आपने नाम नहीं जोड़वाया है सब हमरे नाम से रहे काट हमरे काट का हटा देल के आप ही को काट के हटा दिया बेटा पुतौह को खाली जोड़ दिया हां एगो बेटा के पुतौह ये है व्यवस्था और यहाँ के लोकल जो है डीलर को चाहिए कि ऐसे लोगों को जो है कम से कम जो सही लोग हैं उनको मिलना चाहिए राशन चलिए आइए चलते हैं तो अभी इस बार जो है किसको वोट गिराइएगा मोदी जी को कि लालू प्रसाद के बेटा को जी अच्छा सूरज सरकार थी तक जीते इस बार महागठबंधन को मौका मिलेगा कि एनडीए को अब देखिए जनता जिसको चाहेगा उसको वोट होगा वोट होगा महागठबंधन यहाँ पर काम अच्छा कर रहा है या एनडीए काम किया अच्छा दोनों अब हम तो नहीं जानते कौन अच्छा कर हम तो यहाँ रहते नहीं हैं रहते हैं बाहर रहते हैं बाहर में कथा कमा खटाते हैं इसीलिए अब कौन बनेगा दबे दबे लहजे में बोलने अब खुल नहीं रहे हैं अब खुल नहीं बहुत तेज आदमी है आप जो अच्छा जो करेगा उसी को वोट देंगे 13 तारीख को वोट गिराने जाना है ना जाना है ठीक है बड़ा फूल दोस्तों अब देख सकते हैं इस वक्त जो है दास टोली में मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ लगातार जो है सारे लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग वोट गिराने जाइएगा ना हम लोग अभी नहीं गिराते मतलब 13 वोटर आईडी नहीं बना आपका नहीं बना नहीं बना नहीं नहीं शादी हो गया है क्या नहीं हो गया यहाँ के जो वार्ड मेंबर है उनको बोलना चाहिए ना बनवाने के लिए अभी हम लोग को नहीं पता है नहीं पता है ठीक है तो बनवा लीजिए जल्द से यहाँ पे देखिए और भी लोग वोट गिराने जाना है ना आप लोग को 13 तारीख को हाँ क्या लगता है इधर जो है लालू प्रसाद का पार्टी जीतेगा कि मोदी जी का पार्टी जीतेगा अभी पता नहीं किसको वोट गिराइएगा आप लोग अभी पता नहीं पता है। नहीं है बताएंगे तब ना सब सब बताएंगे गांव के लोग बताएंगे तब आप जानिएगा तो गांव के लोगों पे डिपेंड है जो लोग बताएंगे सब नहीं जो जिनका देंगे उन्हीं को ना देंगे अच्छा जो गांव के लोग जिनको देंगे उन्हीं को आप लोग दीजिए ठीक है आइए उधर ही जा रहे हैं बोलिए बोलिए हाँ हम लोग का घर द्वार नहीं मिला था हम लोग वोट देकर क्या करेंगे क्या बोल रहे हैं सास ससुर को हाँ बहुत उम्र हो गया अभी तक नहीं सास ससुर को भी नहीं मिला आप लोग को तो अभी मिलवे नहीं किया होगा नहीं साहब घर नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला कुछ मोदी जी तो कहते हैं कि हम इतना लोगों को दिए नहीं नहीं मिला हम लोग का घर द्वार नहीं मिला अभी तक नहीं मिला नहीं तो इस बार किसको वोट दीजिएगा मोदी जी को वोट दीजिएगा कि लालू प्रसाद सब लोग जिसको देंगे उनको हम लोग दे देंगे गांव के आदमी जिसको दे देगा उसको दे दीजिए आप लोग ठीक है युवा है क्या लगता है देख सकते हैं किसान है और इस वक्त जो है दासटोली में मैं मौजूद हूँ सांजन प्रखंड है और उजियारपुर लोकसभा का क्या माहौल है अंकल जी इस बार जो है कौन नित्यानंद राय जीतेंगे कि आलोक कुमार मेहता जीतेंगे कैसा माहौल है यहाँ अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं वो किसका ज्यादा चांस है यहाँ वो तो यहाँ उजियारपुर से नित्यानंद राय जी जीते हैं उन्हीं का है लेकिन इस बार अब क्या है वो तो गांव का जनता ही जानेगा इस बार माहौल आपको बदला सा लग रहा है या फिर वही उन्हीं को 10 साल के बाद 15 साल उन्हीं को मौका देंगे नित्यानंद राय जी ने क्या कुछ काम किया है अभी काम किया है कुछ बात तो अभी हम लोग इधर कुछ नहीं हुआ है वही मतलब इधर उधर जो है इधर हम लोग टोला में मतलब विकास नहीं हुआ है नहीं हुआ है। नहीं नहीं तो फिर कैसे नित्यानंद राय को जिता रहे हैं अब गांव का जो है मतलब प्रत्याशी वही ना तो गांव के प्रत्याशी लोग जिनको बोलेंगे उनको आलोक कुमार मेहता का इधर चांस है देखिए 50-50 है दोनों का अब देखिए वो तो हाँ आगे अब क्या होता है हवा तो दोनों आदमी का हाँ 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 क्या बोल रहे हैं ये झोपड़ी जो है ऐसे झोपड़ी देख ला सरकार की आँख नहीं है हाँ अब वोट ला तुरंत आँख नहीं ला हाँ तो इधर किस कौन को जिताइएगा मोदी जी को जिताइएगा कि राहुल कि लालू प्रसाद के बेटा को जिताइएगा कोई नहीं हमरा के वोट दे घर दे लेकिन हाँ तो मोदी जी घर ना देते हैं हाँ तो मोदी जी आप लोगों को घर नहीं दिए नहीं प्रधानमंत्री आवास तो उन्हीं के हाथ में अभी है कोई नहीं घर दिलकन हमरा के तो इधर क्या माहौल है लालू प्रसाद के बेटा को वोट दीजिएगा कि मोदी जी को जे गांव में सब के देथिन तिन का हमहु देबे तो इधर ज्यादातर लोग जो है यही बात बोल रहे हैं कि गांव में जो जिनको देंगे तो गांव वाला आदमी बोलेंगे जो पार्टी को वोट दे दीजिएगा दे दीजिएगा अच्छा दे दीजिएगा ना मतलब गांव के लोगों के इशारे पे चलते हैं ये लोग जो गांव के जो जो
हाँ, गांव के जो लोग हैं इनको, इन लोगों को कहेंगे वो ही ये लोग करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं करने वाले हैं। आइए चलते हैं यहाँ पे। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे दास टोली में लगातार मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, और यहाँ पे चची लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है चची? नाम क्या है आपका? चंपा। चंपा, वोट गिराने जाना है ना? हमारा जहाँ नाथी होता है दवाई कर ले, कोई उनको नहीं है नाथी, वोट तो गिरेबे कर वोट गिराते हैं तो वोट तो गिरेबे कर। अच्छा, हाँ वोट हमारे के रोक कहियो जाए, जहाँ पूरा में हुआ तहाँ तहाँ जाते हैं ना सलमपुर। हाँ, इस बार किसको वोट गिराना है? अब हम की जाने लालटेन पर कि कमल पर? जे हमरा के तब बुझे वही है जे कौन पर में किनकर है। तो गांव के आदमी सब बोलेंगे तो उन्हीं पर जी, उसी पर गिरा दीजिएगा जे कहथिन तिन काम जे। अच्छा, गांव के लोग जी जो कहेंगे वही जो है ना ये लोग करेंगे। यहां पे छोटे छोटे बच्चे भी जो है मस्ती कर रहे हैं, देख सकते हैं ना। आइए चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ लगता है शादी वादी हुआ है। यहाँ शादी हुआ है। क्या क्या माहौल है अंकल जी इधर? अभी जो लोकसभा चुनाव अभी होना है, अभी आप लोग जो है साजन प्रखंड में हैं, साजन प्रखंड की जनता का क्या मूड है इस बार? ललटेम छाप जिंदाबाद है, ललटेम छाप जिंदाबाद। आपके आपके गांव में तो सब लोग कहते हैं कि नित्यानंद? नहीं नहीं, ललटेम छाप जिंदाबाद। बहुत लोग हमको कहते हैं कि गाँव के जो लोग कहेंगे वही हम लोग बोलेंगे, ललटेम छाप जिंदाबाद है, ललटेम छाप। बस क्या इस बार आप लोगों ने मूड, पिछले बार तो आप लोग ने नित्यानंद राय को जिताया था, इस साल लालटेन छापा, क्या है मूड, क्या है बदल लिया आप लोग? सीजन में मूड बदलता है, नहीं कुछ करता है आदमी तो मूड बदलता है। और तो नित्यानंद राय से आप लोग गुस्से में नजर आ रहे, काम उम नहीं किया है क्या? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इधर आप लोगों का क्या मिजाज है इस बार, कौन सा छाप? अरे हम लोग का मिजाज यही है कि लालटेन छाप को देने के लिए। हाँ, लालटेन छाप ही जीतेगा हमारे प्रखंड से, साजनगर प्रखंड से लालटेन छाप का ज्यादा दबाव है। साजनगर प्रखंड से पूरा जितना आदमी है जो है लालटेन छाप को। अरे चाचा इधर हट, हट तो हट। हाँ चाचा, क्या नाम है? मेरा प्रमोद कुमार दास। प्रमोद कुमार दास, ही पूरा दास टोली में जो है अभी हम घूम रहे हैं, क्या माहौल है इस बार साजनगर प्रखंड का? उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में जो अभी 13 तारीख को जो चुनाव है, आप लोग जाएंगे ना वोट गिराने? गिराएंगे, जाएंगे। क्या माहौल क्या है इस बार? इस बार तो कौन सा पार्टी का माहौल है यहाँ? लालटेन का है, लालटेन का माहौल। तो उधर तो आपके गांव में महिला लोग एक दो आदमी मिले हमको जो बोले कि नित्यानंद राय को नहीं, नित्यानंद राय काम क्या किया है? कुछ काम नहीं किया है, काम ही नहीं किया, कुछ नहीं, एक बार घूर के भी नहीं आया क्षेत्र। ज्यादातर लोग यही बात बोले, घूर के नहीं आया, मतलब उनको अब चेहरा देखना क्यों चाह रहे थे? काम तो कहीं से भी लोग कर सकता है ना, कोई भी नेता लोग को। हाँ, पब्लिक को काम चाहिए। हाँ, काम न करेगा तो कोई उसको वोट देगा? कोई नहीं दे सकता। यही वजह है कि अब दिल्ली में जाओ पहचान में नहीं करता है। अच्छा, ऑफिस में गए थे उनके? हाँ सब, हम मेरा सब पता है कहाँ पर कौन कौन है। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं? हाँ। तो दिल्ली में गए थे तो आप पहचानता नहीं है ना? नहीं पहचानता, कोई बीमारी लेकर जाइए कहीं पर पहचानता हूँ नहीं है, कहाँ से आया फलना जगह से जाओ पहचानते ही नहीं, पहचानते नहीं। आलोक कुमार मेहता जी को आप लोग वोट देंगे तो पहचानेंगे? वो तो वो भी सही है आदमी, बिल्कुल सही है वो, आलोक कुमार सही है बिल्कुल। तो ये लोग बाद में आप लोगों को काम करेंगे? करेंगे, देख लिया हूँ इसको भी। अभी विधायक के प्रेजेंट में तो अभी उजियारपुर के विधायक भी हैं, नित्यानंद राय सांसद हैं, तो दोनों प्रत्याशी में कौन बेहतर लगता है आपको? आलोक कुमार मेहता बड़ी काम करने वाला अपन लड़का आदमी है, मेहता बढ़िया आदमी है, इसलिए नित्यानंद राय क्या कर देगा, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये देखिए, और आइए चलते हैं दूसरे तरफ, और भी महिलाएं और वहाँ पे बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे क्या कुछ, इसलिए यही वजह है। आप लोगों का क्या मूड है चची, क्या मूड है इस बार, लालटेन छाप या फिर कमल छाप? लालटेन छाप, लालटेन छाप। हाँ। काहे जी कमल छाप काहे नहीं? कमल छाप का मोदी जी तो कहते हैं कि हम इतना काम किए, उतना काम किए, हम आके तो कुछ नहीं दे है, कुछ नहीं दे, कुछ नहीं, एगो कार्डो नहीं बने हुए है हमको, राशन कार्ड इसे नहीं मिलता, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। मोदी जी तो कहते हैं हम देश के इतने लोगों को राशन देते हैं, आप लोग कैसे छूट गए? आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे, आप देखिए यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वक्त जो है मैं तंबाकू का यहाँ पे काम हो रहा है, सारे लोग मजदूर टाइप के लग रहे हैं, सब चौपाल जाति से है, इन्हीं लोग से हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ही से बात करते हैं, क्या कुछ माहौल है यहाँ का?
ये माहौल क्या बतावे आपको, पूरा उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में हम लोग भारी बहुमत से जीत रहे हैं। लालटेन छाप माननीय आलोक कुमार मेहता जी को कम से कम 2 लाख वोट से यहाँ से जीता। आपके गांव के लोग अभी बोल रहे थे नित्यानंद राय को, एकाध होगा, एकाध आदमी हो सकता है, लेकिन आप ही अभी पूछे हैं बहुत सारे लोग से और आगे बढ़िएगा, लमसम 99% लोग जो है लालटेन के साथ है। अच्छा, ये तो आप देख ही रहे हैं। और नित्यानंद की जहाँ तक बात है, 2 टर्म नित्यानंद जी जीते, पूछ लीजिए हमारे गांव के बच्चा को छोड़िए सियाना से, अगर कोई बता दे जो नित्यानंद राय को हम चिनते हैं। अब काम तो दूर की बात है, माने उनको पहचानते तक लोग नहीं, किस आधार पर हम उसको वोट देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पात्री। अच्छा, इसको वोट दे हम, 5 किलो 4 किलो अनाज दे देते हैं, 125 रुपया का महीना में अनाज देते हैं, और हम लोगों से गरीब लोगों से 2500 रुपया हर महीना लेते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए 400 से 500 रुपया आपका क्या नाम है गैस सिलेंडर का था, वो 1100 में देते हैं, 76 रुपए लीटर पेट्रोल था वो 107 रुपए में देते हैं। ये सारी चीज को देखिए, और तो छोड़िए भैट जो था जिसे हम टैक्स कहते हैं, कपड़े 237 प्रकार का ऐसा मैंने सामान है जो हम लोग खाते हैं, पीते हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं, सुतते हैं। आप लोग का रोजगार यही तंबाकू से चलता है? जी जी यही है, और मजदूरी करते हैं हम लोग। वो सब पर जो है 7% टैक्स लगा दिया। अब एक एक परिवार से अगर 500 रुपया अगर चावल देता है तो 2600 रुपया वसूल करता है, और हमको तो अभी चावल दे रहा है। हो सकता है इस बार जो मोदी का सरकार बने तो अगली बार हम लोगों को जो हाथ में कटोरा थमा देगा भीख मांगने के लिए, ऐसा नौबत मोदी कर रहा है। तो पिछले बार तो आप ही लोग ने जीता है नित्यानंद राय को। अरे वो एक बार देखे थे चांस देके, लेकिन नहीं खड़ा उतरा, इसलिए उसका इस बार जो है हम लोग पूरे पान चौपाल जाति के जितने भी लोग हैं पूरे क्या उजियारपुर लोकसभा में नहीं पूरे बिहार में एक तरफा वोट कर रहे हैं, और माननीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करेंगे। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग तंबाकू काम कर रहे हैं, आप लोग युवा हैं, क्या लगता है इस बार जो है क्या माहौल है उजियारपुर का? जो होगा ठीक ही होगा, जो होगा ठीक होगा, ठीक पार्टी को इस बार लालटेन छाप। आप लोग सारे लोग आप लोग वही छापे या दूसरे भी छापे? क्या लगता है जी आप लोग कौन सा प्रत्याशी यहाँ पे जीते, आलोक कुमार या नित्यानंद राय? आलोक कुमार कर देंगे, मान सम्मान दिए हैं, इसलिए हम पूरे चौपाल के। क्या हुआ? हमारे चंद्रहान चौपाल जी को इससे पहले भी टिकट सिंहेश्वर से दिए विधानसभा में, और भारी बहुमत से जीते, और इस बार भी माननीय तेजस्वी यादव भरोसा किया हम लोगों पर, और हमारे चंद्रहान चौपाल जी को टिकट दिया है, इसलिए हम पूरे बिहार के 5 चौपाल जितना भी हैं सब माननीय लालू प्रसाद यादव जी को वोट करेंगे, और उनके हाथों को मजबूत करेंगे। और बहुत सारे बच्चा है जो अभी तक ये बात नहीं जानता है 1990 में क्या हाल था, 1995 में क्या हाल था, ब्राह्मण लोग हम लोगों के साथ करते थे। याद कीजिए उदीन, तोहरे खटिया बा तोहरे दुआर हो, अब मालिक मालिक कह के रह तरे खार हो। तो यही सब चीज बचने के लिए आप लोग इस बार बचना चाहते हैं। अगर हम लोग आज रोड पर घूमते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, तो माननीय लालू प्रसाद जी का आवाज है, उनका देन है जो हम लोग ऐसा तो करते हैं। मोदी जी भी तो कहते हैं कि अब हमको सबको बराबर नजर से देख, कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं मोदी जी। एक ऐसा समय था जो हम लोगों को खाट देखते थे वहाँ तो डर के मारे हमारे बाप दादा भाई भतीजा खाट से उतर के खड़ा हो जाते, मालिक आया, अगर जो नहीं उठता था उसको घसीट के मारा करते थे ब्राह्मण लोग। आज यही लालू प्रसाद यादव जी का दिन है जो हम लोग खाट पर बैठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उसके सामने बराबरी से बैठते हैं, ये सब लालू प्रसाद जी दिए हैं। तेजस्वी यादव तो आप तो कहते हैं A to Z की पार्टी हो गई, वो ठीक है अब है A to Z के, हो सकता है इसी सब देख कर वो ब्राह्मण लोग समर गया होगा, लेकिन आज भी हमको नहीं लगता है जो समरा है। तेजस्वी यादव तो अभी वहाँ पे पूर्णिया में बोल रहे थे NDO को वोट देने के लिए, वो हो सकता है थोड़ा बोले थे अब जमान पिछल गया, आप लोग जो है कैमरा वाला जो है ना पत्रकार हम लोग क्या खुद बोले थे इंडिया नहीं तो NDA, हो सकता है आप लोग तोड़ मरोड़ के उसको दिखा दिए, बस हम लोग तोड़ मरोड़ के दिखा दिए। तो वहाँ पे तो पप्पू यादव को बोल रहे थे, यहाँ पर बस एक ही बात कहना हम चाहेंगे, यादव कर बतिया ये बुढ़ऊ बैठत रहना खटिया, अ तोहरे खटिया बा तोहरे दुआर हो, अब मालिक मालिक कही के रहत रहखार हो। तो इस चीज से हमको अगर कोई आजादी दिया है तो है माननीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी जिंदाबाद, लालू प्रसाद जिंदाबाद। सैंजल प्रखंड में दोस्तों मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे चौपाल जाति के लोग मौजूद हैं। आइए यहाँ पे कुछ चची लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, क्या कुछ कहती हैं, अंदर में काम कर रहे हैं, इनसे भी बात करें, इनका भी बात। आइए, हाँ
क्या सोची आप लोग यहाँ पे तंबाकू का काम कर रहे हैं, क्या हाल है इस बार उजियारपुर में? कौन जीतेगा, कौन बनेगा सांसद, लालटेन छाप की कमल छाप? जो जिसमें सब देगा उसमें हम भी देंगे, जो जिसमें देगा सब उसमें आप भी दीजिएगा। हाँ, गांव का जो लोग बोलेंगे वही करिएगा अपने मन से। अपने मन से कैसे करेंगे? कौन छाप को वोट दीजिएगा आप लोग? कमल में देगा कमल में देंगे, लालटेन में देगा तो लालटेन में देंगे। मतलब कमल में देगा तो कमल में, लालटेन में देंगे तो लालटेन में। मतलब गांव का आदमी जिसमें देगा वोट उसी में आप लोग उसी भी में देंगे। जब हम मजदूर करके खाइए रहे हैं तो जिसमें देगा गांव वाला उसी में हम भी देंगे। अच्छा, ये बात है। चलिए दोस्तों आइए, सारे लोग यहां पे काम कर रहे हैं। आप लोगों का क्या मिजाज है चाची, आप लोगों का क्या मिजाज है, कौन पार्टी को? लालटेन छाप। लालटेन छाप, बाप रे, सब मूड बना के रखी हुई है। इधर पूरा इधर जो है सब लालटेने मूड बना के रखी हुई है। हाँ, कहती है कि गांव के लोग जिनको वोट देंगे हम लोग उन्हीं के, मतलब आप लोग जिनको वोट दीजिए वही महिला उन्हीं को वोट देंगे। क्लियर, ये बात है क्लियर। हमारे समाज को जो मान सम्मान देगा हम उसी को ना सपोर्ट करेंगे। आज तक इतिहास गवाह है, कोई भी हमारा पान चौपाल जाति दास जो है उसको कोई टिकट दिया आज तक? कोई नहीं दिया। लेकिन हम लोग थोड़ा प्रयास किए और माननीय लालू प्रसाद तेजस्वी जी हमको टिकट देने का काम, वो भी भरोसा करके पूरा लोकसभा का टिकट दे दिए, विधानसभा का कहते चलो एगो बात लोकसभा के दे दिए। तो हम लोगों पर भरोसा किए हैं और हम लोग को विश्वास है जो हमारा जितने भी पूरे बिहार में पान ताती संघ का जो लोग है हम सभी लोग जो है माननीय लालू प्रसाद यादव को सपोर्ट करते हैं। नित्यानंद राय के काम से खुश नहीं है आप लोग? खुश नहीं, कोई काम ही नहीं किया 10 साल तो। आप पत्रकार हैं, अगल बगल इधर उधर काम नहीं किया तो दोबारा कैसे जीत गया? दोबारा कैसे जीत गए काम? वो तो ईवीएम हैक कर लेते हैं मोदी जी, तो ईवीएम हैक कर लेते हैं। जहाँ पे आप लोग जीत जाते हैं वहाँ पे ईवीएम हैक नहीं होता? कहाँ है, पूरे भारत एक आध जगह माने अपने बचने के लिए छोड़ दिया। हाँ। बाकी तो गड़बड़ कर देते हैं। इस बार भी आप देखिए जो पहला चरण का चुनाव हो चुका है उसका बेबी पीट का पर्ची जो है हेर फेर कर रहा था मणिपुर में। उस बेबी पेट का जो है पर्ची हेर फेर कर रहा था बीजेपी वाला, फिर वही खेल करने जा रहा है। लेकिन इस बार हम लोग सजग है, छोड़ेंगे नहीं। जहाँ जहाँ हमारा जहाँ से ईवीएम मशीन जाएगा यहाँ से वोट होके वहाँ पर हमारा भी लोग आता रहेगा, वहाँ बैठा रहेगा। हाँ, ये तो चालू कर दिया फिर चोरी करने के लिए। वीवी पैट का पर्ची को निकाल के वो अपना पर्ची घुसवा रहे थे और इस बार जो चुनाव होगा वीवी पैट के पर्ची से मशीन वाला दोनों मिलान करके, तो वीवी पैट में क्या करते हैं ये निकाल के अपना वाला घुसा रहे हैं जो क्लियर मणिपुर में दिखाई दिया है। तो इस बार हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, कहीं से कोई चोरी नहीं होने देंगे और जनता हम लोगों के साथ है। सबसे बड़ी बात है कोरोना वैक्सीन जो मोदी जी जो दिलवाए थे अभी तो उसे लोग हार्ट अटैक हो रहा है, मर रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, मर रहे हैं। मोदी जी सर्टिफिकेट पर से अपना फोटो हटा लिए हैं, फोटो भी हटा लिए और मर भी रहा है। वो जो कोरोना वैक्सीन लिए थे अभी सरकार तो अपना पल्ला झाड़ लिया, नहीं नहीं उसमें अरबों का घुस लिया उस कंपनी से ना। इतना अंडानी अंबानी आपको पता हो रहा होगा जो 15,000 करोड़ रुपया जो है ये गुजरात में कुछ अंडानी अंबानी लोग को एक दिन में माफ कर दिया 15,000 करोड़ रुपया, 15 लाख करोड़ रुपया। अगर वही 15 लाख करोड़ रुपया हमारे गरीब मजदूर किसान को अगर दे देते जो 50,000 के केसी से जो लोन लिए है तो आज उतना खुश होते और सभी लोग उसको वोट देते। लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, जो बड़ा है उसको और बड़ा बना। मोदी जी तो कह देंगे इस बार मौका दीजिए सारे गरीब को खत्म कर दें। नहीं नहीं, इस बार जो मौका देंगे वो सही कर रहे हैं, सारा गरीबों को खत्म कर देंगे और जो बचा खुचा रहेगा उसको हाथ में कटोरा धरा देंगे। हम लोग रोड पर जाके भीख मांगेंगे। मोदी जी कहते हैं गरीब को, उनका कहना है कि गरीबी खत्म कर देंगे। कहां भाई, आप 10 साल में कहां किए? आप वादा किए थे ना हम नौकरी देंगे 2 करोड़। मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं और आप पत्रकार भी कहते हैं हिम्मत है जाके मोदी जी के मुंह में माइक सटाइए और उससे पूछिए ये आपने क्या बोला था 2014 में 2019 में क्या बोला था? 15 लाख वाला जो मामला है तो वो तो बोले थे अमित शाह बोले तो चुनावी जुमला था, वो जुमला था तो वही जुमला जनता इस बार निकाल देगा ना। जनता निकालना देगा। 4 महीने पहले की बात करते हैं, जितना भी जहाज सहारा इंडिया के सुब्रत राय का था वो सारा जहाज जरा सारा संपत्ति सीज कर लिया और हम इंडिया वालों को बोला कि आप लोग फॉर्म भरिए 10,000 रुपया देंगे आपको जो सहारा इंडिया का जो पैसा सहारा वाला जो था। अब एक एक आदमी सहारा में जो है अपना दौड़ के धूप के 500,000 रुपया खर्चा करके पेपर बनाया और अमित शाह जो है 1 रुपया नहीं दिया वही पैसा से जो अपना चुनावी कैंपिंग कर रहा है। बताइए किसी को पूछिए सहारा इंडिया में जो 10,000 देने का बात हुआ था भरा किसी को मिला है? किसी से पूछ लीजिए, पचा लिया कि सब पैसा लेके खा गए अपना। सहारा इंडिया का पैसा मिला आप लोग को? ककरो नहीं, कोई भी आदमी के, कोई भी आदमी अपने दुख काट को बाप रे बाल बच्चा के लिए लोग दो पैसा जमा कर, किसी को पैसा नहीं मिला। कान कान का लोग रह गए, किसी का पैसा नहीं मिला।
आप लोग का भी पैसा नहीं मिला? नहीं, किसी को पैसा नहीं मिला, सबका पैसा डूब गया। ऑनलाइन अथि किया, ऑनलाइन उसका भी पैसा नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं? ऑनलाइन करा लिया 40,000 रूपया है, तब कथी तनी मनी है की नहीं? झूठे के भरा भरा का छोड़ दिल की। क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, अमित शाह जो है गिरे और मोदी जी मिल के जितना हाँ, गरीब गुरबा है पेट खात के बचा के 1-2 रुपया जो है सहारा में जमा किया। तो सहारा में सुब्रत राय जी उसका हेड थे, वो विदेश भाग गए, विदेश से फिर हाँ सरकार पकड़ के लाया, अपडेट भी कर गए। सुब्रत राय जी का जिनका जितना संपत्ति था, जहाँ था शायद 200-250, जितना संपत्ति सीज कर लिया सरकार और कहा मोदी कहा कि गरीब का पैसा गरीब के खाते में जाएगा। और सभी गरीब से पूरे इंडिया में भरवा लिया फॉर्म, जहाँ फॉर्म भरिए 30 दिन में आपका पैसा किस्त भाई मैंने 10-10,000 करके जाएगा। पूछ लीजिए तमाम लोग से, 1 रुपया किसी के खाता में नहीं गया और ये सारा पैसा ये चुनावी फंडिंग में खर्च करा। दोस्तों ये है सहरंजन प्रखंड का माहौल, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में सहरंजन प्रखंड है और यहाँ के लोगों का ये है माहौल। तो चौपाल समाज के जो लोग हैं उनका माहौल है, ये लोग बता रहे हैं कि एक मत जो यहाँ पर ये लोग बना रखे हैं, पूरा का पूरा गांव जो है इस वक्त जो है आरजेडी को समर्थन करने की बात कर रही है, यहाँ पे महागठबंधन को समर्थन करने की बात कर रही है। बाकी क्या है आप लोग जनता की आवाज़ अब तक या वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जरूर दिखा बताएं और टाइप करके मुझे बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप लोग किस पंचायत से हैं, किस वार्ड से हैं, किस आप लोग जो है कमेंट बॉक्स से उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के कौन सी जगह से आप लोग हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दे सकते हैं। कौन से प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाने वाले हैं, नित्यानंद या आलोक कुमार मेहता, ये दोनों प्रत्याशी में से कौन से प्रत्याशी यहाँ के लिए बेहतर होंगे, यह आने वाला समय बताएगा। आप लोग वोट करने के बाद हमें बताएं कि कौन से प्रत्याशी यहाँ पर जीत कर जाने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।